उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले सकते हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विपक्ष के नेताओं में मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सोनिया गांधी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजत सिन्हा ने। समारोह की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वीवीआईपीओं के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन स्टेडियम के अंदर और बाहर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था का खाका बनाने में जुट गया है। आम लोगों का प्रवेश फिलहाल यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 से अधिक लोगों के मौजूद रहने की संभावना है। स्टेडियम के आसपास पीएसी और केंद्रीय बल तैनात रहेगा। शासन के कई आला अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं का लगातार जायजा ले रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा विपक्षी दलों के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी अपना एक इतिहास है। इस स्टेडियम के बनने का काम बसपा सरकार में शुरू हुआ। 2012 में प्रदेश में सपा सरकार बनने पर युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस स्टेडियम के निर्माण कार्य को जारी रखा। सपा सरकार के कार्यकाल में यह स्टेडियम बनकर तैयार हुआ, लेकिन 2017 में प्रदेश में एक बार फिर सरकार बदली और भाजपा सरकार में योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हुआ। अब यह स्टेडियम एक बार इतिहास का गवाह बनने जा रहा है, जब योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ लेंगे। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ 19 मार्च 2017 को ली थी। तब शपथ ग्रहण समारोह आसियाना स्थित काशीराम स्मृति उपवन में हुआ था। निश्चित ही इस बार का आयोजन काफी भव्य और दिव्य होगा, जो इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और ये अपने आप में अद्भुत होगा। इस स्टेडियम की क्षमता 75,000 से ज्यादा लोगों की है और यहाँ पर जो संभावना है कि शपथ ग्रहण समारोह में ये पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होगा। निश्चित ही इतिहास के पन्नों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह शपथ ग्रहण समारोह दर्ज हो जाएगा। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम हुसैन के साथ रजत सिन्हा।